Good morning, students. Let's read the chapter. But before that, let's just see the information of the lecture. July 23rd, class 9th, subject English. We are reading the Hive book. And this is lesson number 4. What is lesson number 4? A truly beautiful mind. We didn't get the name of this author here. If we get, we'll discuss. And this is lecture number 1, students. A truly beautiful mind. You all can feel what we are reading now. Before you read, just let's concentrate on this. Though it's not that much important in the text, but before we go to read the text, we should be a bit familiar about the things. Before you read, Who do you think of? आप किसके बारे में सोचते हो? Who do you think of when you hear the word genius? जब आपके दिमाग में एक वर्ड आता है genius, जब आप genius वर्ड आपके दिमाग में घूमता है तो किसके बारे में सोचते हो? हमारा जो unanimous author है, writer है, जहां से ये text लिया गया है, वो पूछना चाहता है कि भाई अगर तुम हमारे दिमाग में जीनियस एक शब्द आता है तो जीनियस को लेकर के तुम किसके बारे में और क्या सोचते हो? Who is a genius? कि कौन है जीनियस? What qualities do you think a genius has? और किस तरह की क्वालिटीज तुम्हें लगता है कि एक जीनियस इंसान के अंदर होती है? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. ये बातें होती हैं students, जब हम बात करते हैं कि अगर कुछ new invention होती है और कुछ इतनी अच्छी invention होती है कि हम 100 साल आगे निकल जाते हैं, जहां पर हम थे हम उससे 100 साल आगे चले गए, अगर हमारी वो invention ना होती तो हमें उस level तक पहुंचने में 100 साल लग जाते हैं. So एक young सिविल सर्वेंट के बारे में हम रीड कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को 100 साल आगे ले जाकर के खड़ा कर दिया. इन द समर ऑफ 1905 में द 26 ईयर ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, ब्रेक रिकॉर्डिंग पेपर्स थे जिसने रिकॉर्ड तोड़े, मींस न्यूज जो उसने डाली सक्सेसफुली अबाउट लाइट, लाइट के बारे में, रोशनी के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मोशंस के बारे में, लाइट के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मींस होता है स्टूडेंट्स द स्टडी ऑफ द वे दैट इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वर्क. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किस तरह से ये वर्कआउट करता है, एंड एनर्जी और पावर, जो एनर्जी होती है वो कैसे काम करती है. हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. कुछ पेजेस जो है साइंटिफिक जर्नल्स, जो जर्नल होती है, मैगजीन जो होती है, उसके अंदर कुछ पेजेस लगे, बट चेंज्ड फॉरएवर द आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. लेकिन हमेशा के लिए हमारी सोच को, हमारी समझ को उसने बदल करके रख दिया, चेंज कर दिया स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, समय के बारे में, एंड द एंटायर कॉस्मोस. कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स, वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में. And transformed the name Einstein into a synonym for genius. और उसने अपने नाम को जो है एक synonym बना दिया genius का. Einstein जो था वो उस समय में भी और आज भी, next line देखो बच्चों, 50 years after his death, उसकी death के 50 साल के बाद भी Albert Einstein's genius still reigns, राज करती. जो उसकी जीनियसनेस है वो आज भी राज करती है.
50-60 साल की उसकी मृत्यु के बाद भी। सो उसका नेम जो है जीनियस की कैटेगरी में लिया जाने लगा, उसके नेम को जीनियस का सिनोनियम बना दिया था, इट बिकेम द सिनोनियम ऑफ द जीनियस। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट। व्हाट आर वी गोना रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट चिल्ड्रन। Albert Einstein was born on 14 March 1879. Albert Einstein का जो जन्म था वो 14 मार्च 1879 को हुआ in the German city of Ulm. जर्मनी की एक सिटी थी जिसका नाम था उल्म, जहां पर उसका जन्म हुआ, without any indication that he was destined. इंडिकेशन एंड डेस्टिन्ड मीन्स होता है किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं था कि वो सौभाग्यशाली था। डेस्टिन्ड मीन्स भाग्यशाली था, फॉर ग्रेटनेस, कि इतना महान बनेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और उसकी मदर ने क्या सोचा एल्बर्ट के बारे में कि वो जो है क्या था, एक फ्रीक था। फ्रीक मीन्स अ वर्ड यूज्ड disapproving to talk, disapproving means accept नहीं करना, disapprove कर देना about a person who is unusual and doesn't behave. वो usual child नहीं था, unusual child था, और उसका जो behave था वो थोड़ा different था, look or think like others, जो unusual की तरह दिखता था, उसका सर थोड़ा बड़ा था और वैसे ही वो चीजों को देखता था। to her means उसकी mother के लिए His head seemed much too large. उसका जो सर था वो काफी बड़ा था, काफी बड़ा सर था उसका। At the age of 2.5, ढाई साल की उम्र में, Einstein still wasn't talking. और Einstein जो है अभी भी बात नहीं कर रहा था, अभी भी उसने बोलना शुरू नहीं किया था। ढाई साल का हो गया था वो। He uttered everything twice. और वो हर शब्द को जो है दो बार बोलता था, किसी भी शब्द को जब बोलता था वो दो बार बोलता था। Einstein didn't know what to do with other children. Einstein को जो है नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है। He didn't know, कुछ भी उसको नहीं पता था, what to do with other children, कैसे खेलना है, कैसे रहना है। And his playmates called him brother boring. और जो उसके playmates थे, जो उसके friends थे, जो उसके दोस्त थे, जो उसके साथ खेलते थे, वो उसे brother boring बोलते थे। वो उसे जो है brother boring बोलते थे सभी के सभी। They used to call Einstein brother boring. क्योंकि वो काफी चुपचाप बैठा रहता था, ज्यादा बातें नहीं करता था, ना खेलने में पार्टिसिपेट लेता था। So the youngster played by himself. और वो जो है अपने आप ही अकेला खेलता रहता था। अकेला, much of the time, काफी समय तक अकेला ही खेलता था, अपने आप में ही रहता था, सारे काम अकेला ही करता था। That's why his classmates used to call him brother boy. He specially loved mechanical toys. और वो खास करके जो है मैकेनिकल जो टॉयज होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उनको ज्यादा पसंद करता था। Loved, ज्यादा पसंद करता था। Looking at his newborn sister. जैसे ही वो अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखता है, when he saw his newborn sister, Masa, the name of the girl, और उसको क्या कहता है, he is sad to have said, उसको देखने के बाद वो क्या कहता है, fine, ठीक है, but where are her wheels? लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? वेयर आर हर व्हील्स? अपनी सिस्टर को देख करके। बाय दिस लाइन वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही वाज। ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज,
So he thought his sister is also a toy, so she should have the wheels. Let's go to third point, children. A headmaster once told his father. एक हेडमास्टर ने जो है आइंस्टाइन के फादर को क्या कहा, दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन, आइंस्टाइन एज अ प्रोफेशन कुछ भी चुनेगा, कुछ भी डिसाइड करेगा कि वो ये बनना चाहता है, वुडेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बिकॉज ही'ल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. कि वो अगर कोई भी प्रोफेशन चुनता है अपनी जिंदगी में कुछ भी बनने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएगा अपनी जिंदगी में. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग, आइंस्टाइन ने जो है सीखना शुरू कर दिया, टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीख लिया, सीखना शुरू कर दिया, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू. क्योंकि उसकी जो मदर थी वो चाहती थी कि भाई वो जो है ये सीखे. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और उसकी मदर जो है वो चाहती थी कि उसका बेटा जो है एक वायलिनिस्ट बने, अच्छे से वायलिन को बजाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एमेच्योर मींस डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट. वो जो है जो वायलिन को बजाता था अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए बजाता था, न कि प्रोफेशनल. वो प्रोफेशनल नहीं था, ही वॉज नॉट दैट मच प्रोफेशनल. अपने एंजॉयमेंट के लिए जो है वो वायलिन को बजाता था और अच्छे से बजाना सीख गया था, अपना एंजॉयमेंट करता था. दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी जिंदगी जो है वो इसको बजाता रहा अपने एंजॉयमेंट के लिए. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था वो एक बुरा बच्चा नहीं था. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो जो है हाई स्कूल में जाता है म्यूनिक के अंदर, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड. जहां आइंस्टाइन की जो फैमिली थी वो मूव कर जाती है. व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का था, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. Now you see where Einstein's family had moved when he was 15 months. 15 महीने का था तब उसकी फैमिली जो है मूव कर जाती है म्यूनिक और उसको हाई स्कूल के अंदर डाल देती है. वो 15 महीने का था जब वो गए थे, उसके बाद वो बड़ा हुआ, फिर उसको हाई स्कूल में डाला, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और उसने जो है हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किए. Einstein hated the school's regimentation. और आइंस्टाइन जो है स्कूल का जो रेजिमेंटेशन सिस्टम होता है, रेजिमेंटेशन मींस चिल्ड्रन ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम. एक डिसिप्लिन जो होता है दैट्स क्वाइट स्ट्रिक्ट इन द स्कूल्स, यू ऑल नो दिस. ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है. सो इस सॉर्ट ऑफ रेजिमेंटेशन को जो है वो हेट करता था, लाइक नहीं करता था. एंड He often clashed with his teachers. और उसके टीचर्स के साथ भी उसका जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, बातें होती रहती थी. At the age of 15, 15 साल की उम्र में क्या हुआ, Einstein felt so stifled. Stifled means unable to breathe, suffocated. Means उस disciplinary environment के अंदर, माहौल के अंदर वो अपने आप को adjust नहीं कर पा रहा था. He wasn't able to adjust himself there, that he left the school for good. और किसी अच्छे काम के लिए, अच्छाई के लिए उसने जो है स्कूल को छोड़ दिया, वो स्कूल में नहीं गया. The previous year, Albert's parents had moved to Milan. और अगले साल जो है एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले जाते हैं, एंड लेफ्ट देयर सन विद relatives.
और अपने बच्चे को जो है, अपने बेटे को वो कहाँ छोड़ जाते हैं, एक अपने रिलेटिव के पास छोड़ करके चले जाते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफी लंबी वार्तालाप के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। काफी गहन डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन की इच्छा हुई, वो चाहता था कि वो अपनी एजुकेशन को जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो है शुरू करे, जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो है अपनी स्टडी को मेंटेन करे स्विट्जरलैंड के अंदर, इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। जो सिटीज थी स्विट्जरलैंड, वो कहता है वहां पर जो गया था वो लिबरल स्वतंत्र थी एज कंपेयर टू म्यूनिक। म्यूनिक जो उस समय जर्मन के अंदर थी, आज भी जर्मन के अंदर है म्यूनिक, वो लिबरल थी, स्वतंत्र थी, मींस स्विट्जरलैंड ज्यादा स्वतंत्र थी एज कंपेयर टू म्यूनिक। फ्रीडम थी वहां पर, लिबरल लिबर्टी थी वहां पर। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स में तो वो गिफ्टेड था, उसको मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, he was entirely gifted person in mathematics, चीजें टिप्स पर थी, और फिजिक्स के अंदर उसका इंटरेस्ट था। जिस द वन हु वांट्स टू बी फिजिक्स, उसका मैथ के ऊपर भी कमांड होनी बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपना स्कूल की क्लासेस को फिनिश करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, और उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, और वो ज्यूरिख की एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगा। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन। लेकिन वो कहता है कि जो साइंस थी वो ही एक अकेली नहीं थी कि जो उस पर्सन को जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस इंसान को। अपील टू डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैचेस, वॉलरस मस्टैचेस, यू कैन सी द मस्टैचेस, जो मूछे उसकी थी, कैसी मूछे थी उसकी, वॉलरस मस्टैचेस जिसको वो बोलता है, यंग मैन को अपनी तरफ नहीं खींच पा रही थी। और भी कुछ चीजें थी, और भी कई चीजें थी बहुत ज्यादा, which were very important. I hope you all must have got the next page of the screen. Every one of you, be concentrated. We are to complete at least 50% of the text today, and the rest will complete in the next lecture. Right, everyone, students? I got the message from the students that I do speak a little fast, which goes beyond the students' mind. So I have been trying to speak in a slow way so that every one of you can understand the text. Concentrate. He also felt a special interest in a fellow student, Malvia Merrick. फेलो स्टूडेंट्स मीन्स जो उसके साथ स्टडी करती थी, एजुकेशन करती थी, वो जो है उसमें उसको काफी इंटरेस्ट होता है। मिलेविया मैरिक उसका नेम था, whom he found to be a clever creature, और जिसको उसने क्या पाया कि वो भी क्लेवर क्रिएचर, मीन्स हियर वेरी एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये एक ऐसी university थी Zurich के अंदर, जो Europe में कुछ ही universityयां थी जहां पर women, औरतों को, लड़कियों को जो है education मिलती थी, अपनी degreeयां ले सकते थे। उसको इस वजह से यहां पर आना पड़ा था, Malvia Merrick को। Einstein saw in her an ally against the Philistines. Ally means a friend or an associate. साथी और संगी, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, ally.
Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Philistine means a word used disapprovingly to talk about people who don't like art, literature and music. Means वो एक ऐसा साथी था जो इन सब चीजों को dislike, disapprove करती थी. The same like Mr. Einstein, though he was well violinist. So constantly जो है वो उसके साथ odds means different situations were created by them. They got the altercation also at some points, but they were good enough. The couple fell in love. और दोनों के दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं. Fell in love. Letters survive in which they put their affection. और एक दूसरे को उन्होंने पत्र लिखे, लेटर लिखे. They put their affection into words. अपने अफेक्शन, अपने लव को, अपने प्यार को उन्होंने शब्दों में पिरो दिया और लेटर्स के जरिए एक्सचेंज करने लगे. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और अपने शब्दों में साइंस के शब्दों को भी मिक्स्ड कर दिया. रॉट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी. आइंस्टाइन ने लिखा कि कितना खुश है, कितना गर्व महसूस कर रहा है वो. आई शेल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. कहता है कि भाई हमें कितनी खुशी होगी, कितना गर्व महसूस होगा कि अगर हम दोनों मिल करके अपने इस relativity के काम को, relativity I hope you can understand, this is scientific word, science का शब्द है and you are studying the science everyone. So relativity to a victorious conclusion, we say. Conclusion means अंत करना किसी भी चीज को, करते करते एंड करना. भाई उनका जो कंक्लूजन हो, जो उसका एंड हो, वो बड़ा अच्छा हो, विक्टोरियस हो, हम दोनों इसको इस मुकाम तक लेकर के आ जाए. इन 1900 में क्या हुआ, एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 साल का था, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट and unemployed. University से वो graduate तो हो गया था, लेकिन unemployed था. He worked as a teaching assistant. और उसने जो है teaching assistant का काम शुरू कर दिया. Gave private lessons and finally secured a job. Private lessons means personal tuition देना, पढ़ाना बच्चों को. और फिर बाद में फाइनली उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है इन 1902 के अंदर, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. पेटेंट ऑफिस के अंदर बर्न में उसको एक परमानेंट टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल जाती है. व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस. और उसका काम क्या था, उसका काम था जो दूसरे लोगों की इन्वेंशन थी, जो दूसरे लोग कुछ भी चीज नई इन्वेंट करते थे उसको असेस करना, जांचना, परखना. आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, और सीक्रेटली आइंस्टाइन जो है अपने आइडियाज को जन्म दे रहा था, अपने आइडियाज को प्रोड्यूस कर रहा था. ही इज सैड टू हैव जोकिंगली, जोकिंगली मीन्स मजाकली, मजाकिया तौर पर, मजाक करते हुए कहता है, called his desk drawer at work, the Bureau of Theoretical Physics. अब आइंस्टाइन डेवलप कर रहा था अपने आइडियाज को, सो वो क्या कहता है मजाक करते हुए कि भाई उसका जो डेस्क ड्रॉर है, उसके डेस्क ड्रॉर के अंदर जो है वो क्या पाता है, at work, the Bureau of Theoretical Physics. कि उसने इस तरह से चीजों को मैनेज किया है, that he managed things in such a way. I hope that I'm audible to every one of you students, though I'm trying to speak a bit slow so that every one of you can understand the point, and you don't have to face any problem to this. Make sure everyone.
सो व्हाट वी फाइंड कि भाई जो उसके डेस्क का ड्रॉअर था उसके अंदर कुछ ना कुछ फिजिक्स की थ्योरिटी को लेकर के थ्योरिटिकल स्टडी वो करता रहता था, उसके साथ साथ वो अपने आइडियाज को जनरेट करता था, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता था और उसके डेस्क में हमेशा कुछ ना कुछ पड़ा रहता था. He always found this. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Absolute means measured in itself, not in relation to anything else. Means one of the famous papers, जो उन दिनों papers publish होते थे, उनमें से किसी एक famous paper की वो बात करते हैं 1905 में. Einstein's special theory of relativity. Einstein ने अपनी एक special theory develop की थी relativity को लेकर, according to which, जिसके अनुसार वो कहता है, time and distance, समय और दूरी, are not absolute. Absolute means measured in itself, not in a relation to anything else. किसी दूसरे के relation में इनको measure नहीं किया जा सकता है. Measured in itself, अपने आप में इनको measure होती है. Indeed, सच में, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. अगर आप दो perfect clocks को ले लो, तो वो भी same time नहीं दिखा पाएंगी. If they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other, दूसरे के relation में एक उससे थोड़ा fast चल रही है, तेज चल रही है, So, दूसरी जो है वो आगे निकल जाती है. मीन्स के जो क्लॉक की वो बात कर रहे हैं, उनका जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो एक साथ कांस्टेंट नहीं रहता है. दैट्स नॉट कांस्टेंट, राइट चिल्ड्रन? कांस्टेंट एक साथ नहीं होता, रिलेटिव टू अदर्स चेंज हो जाता है. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy. और उसका जो एक formula उसने develop किया is equal to mc square, means कि वही ये जो formula है, the relationship between mass and energy, mass और energy का जो ये formula है, पूरे world के अंदर famous हो गया उस समय. That became famous at that time. In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed. C for the speed of the light in a vacuum about 3 lakh kilometers/second. कितनी तेजी से ये बढ़ता है? देखो इसके बारे में क्या होता है? About 3 lakh kilometers/second में चलता है ये. इतनी तेजी से is equal to mc square means we need to see how it goes. When you sit with a nice girl for 2 hours, वो बताता है कि अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो, it seems like 2 minutes. ऐसा लगता है कि वो 2 घंटे तो जो थे वो 2 मिनट है. 2 घंटे बातें करने के बाद, बैठने के बाद, आपको लगता है कि आपके सिर्फ 2 मिनट लगे हैं. When you sit on a hot stove for 2 minutes, अगर आप किसी गर्म स्टोव के ऊपर 2 मिनट के लिए रुकते हो, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, और ऐसा लगता है कि ये 2 घंटे हो गया. दैट्स रिलेटिविटी. इसको रिलेटिविटी बोलते हैं. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है फॉर्मूला दिया था, बताया था, एक्सप्लेन किया था. सो डियर चिल्ड्रन, दैट्स इनफ फॉर टुडे. फॉर योर होमवर्क, यू विल वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन द difficult words if you find, though we don't have much difficult words, many difficult words in the text. This text is quite easy. So dear children,